मध्य प्रदेश के बढ़वा अनुविभागीय के बलवाड़ा में सीआईएसएफ की फायरिंग रेंज के समीप एक खेत में जबरदस्त विस्फोट से एक 12 साल की मोहित पिता सुरेश की मौत हो गई और दूसरा 30 व्यक्ति नारायण पिता गुड्डा गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे बलवाड़ा शासकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि मृतक का शरीर छिन्न भिन्न हो गया। घटना की सूचना मिलते ही बढ़वा एसटीओपी शैलेंद्र श्रीवास्तव सहित बलवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर पुलिस ने मृतक के अंगों को समेट कर पीएम के लिए बढ़वा के शासकीय अस्पताल भेजा। हमने ये भी नहीं देखा कि हमारा बच्चा ऐसा हो गया। जब यहाँ से दो जनों ने आवाज मारा, जब मैं वहाँ से दौड़ के आया, जब देखा कि मेरे बच्चे साथ ये घटना हुई है, मेरे तो देखा भी नहीं क्या हुआ। उसके पानी पीने गया और वो एक पास में बैठा था वहीं पे, और वो आवाज आई तो मैंने वापस फिर कर देखा तो एकदम से फिर बस इतनी आवाज आई ना, मुझे क्या हो गया एकदम से। क्या कर रहे थे बच्चे यहाँ पर? कुछ नहीं, इधर से जा रहा था, मैं वहाँ पानी पी रहा था। बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चा कहीं निकल रहा था। आज सुबह ये बलवाड़ा से पूरब दिशा में पहाड़ी के पास इंदौर के डोगस मराठा खेत है, जिसे सुरेश भील ने किराए पर ले रखा है। सुबह पास में ही सीआईएसएफ की फायरिंग रेंज है। सुबह 9:30 बजे करीब सुरेश का लड़का मोहित और एक गुड्डा करके खेत में थे, तभी एक विस्फोट की आवाज़ आई। पास में ही एक व्यक्ति ने देखा, उसको महेश ने देखा तो मोहित डेथ हो चुकी थी, उसके सिर में हाथ पैरों में काफ़ी अंग छिन्न भिन्न हो चुके थे और सुरेश काफ़ी घायल हुआ था, गुड्डा घायल हुआ था, जिसको एम्बुलेंस रेफर किया गया, भेजा गया यहाँ से इलाज के लिए। प्रथम दृष्टि से विस्फोट जो हुआ है एक तरह से अभी अज्ञात ही है। विस्फोट काफ़ी तेज विस्फोट हुआ है, एफएसएल टीम जांच करके बताएगी कि किस चीज़ से विस्फोट हुआ है, कौन सा एक्सप्लोज उसमें उपयुक्त किया गया है। भेज रहा हूँ। बढ़वा से ब्यूरो रिपोर्ट।